हमारे पश्तो कबीले में लड़कियों के पैदा होने पर कभी कोई जश्न नहीं मनाया जाता, और वहीं मेरे दुनिया में आते ही मुझे मेरे अपनों से बहुत सारा प्यार मिला। हेलन केलर की खबर है आपको? जो इंसान कुछ देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो इतना सक्सेसफुल कैसे हो सकता है? They are born fighters, जानी। अफगानिस्तान की बहादुर मलालाई के नाम से दादाजी ने मेरा नाम मलाला रख दिया। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मैवन की जंग में शहीद मलालाई की तरह मुझे भी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अल्लाहू अकबर। आज के बाद सच्चे मुसलमान होने का सबूत। कोई भी मर्द दाढ़ी बनाते हुए दिखना नहीं चाहिए, और औरत बेअदबी नहीं करेगी, और आज से कोई भी बच्ची स्कूल में नहीं जाएगी। तालिबान की आखिर स्कूल से क्या दुश्मनी है? जो एडुकेटेड होते हैं ना, उन्हें जिहाद या फिर गलत हदीस की तरफ ले जाना नामुमकिन होता है, और इसीलिए ये तालिबान खातूनों को तालीम से दूर रखते हैं। हम सब मिलकर हमारे सवाद को तालिबानी कब्जे से छुड़ाएंगे। ऐसे इस्लाम के दुश्मनों को बेनकाब करने के लिए मैं खुद मदद करना चाहूंगी। पाकिस्तान के परेशान हाल आवाम को एक आवाज मिल गई, और हमको हमारे गुल मकाए। तालिबान से खौफजदा होने की जरूरत नहीं, अगर उनके पास बंदूक की ताकत है तो हमारे पास पेन की ताकत है। वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। जियाउद्दीन यूसुफ जई और उनकी दुख्तर इस्लाम की तौहीन करना बंद कर दें। ऐसे लोगों को बीच चौराहे में हला। हम अपने बच्चों की जिंदगी जोखिम में नहीं डालना चाहते। मलाला कौन है? मौला।